नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मन आत्मा को झकझोर देने वाला एक वीडियो आया है। बहराइच के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक मां को ऑक्सीजन की कमी पर अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े किए तो लाचार बेटियों ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने मुंह से माँ को ऑक्सीजन देती रही। उत्तर प्रदेश सरकार इस वीडियो को गौर से देखे, शायद इस झकझोर देने वाले वीडियो को देखना मुश्किल होगा, लेकिन हिम्मत भी जुटी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फाइलों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत दूर है, लेकिन जमीन पर ऑक्सीजन के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। बहराइच के बगल में ही गोंडा जिला है। वहां के मशहूर कवि अदम गुंडवी साहब ने सही कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीते जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नवाबी है। बहराइच के जिला अस्पताल का यह वीडियो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने वाले सारे दावों की पोल खोल रहा है, लेकिन बहराइच के अधिकारी हैं कि ऑक्सीजन की कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और तड़प रहे मरीज को बचा भी नहीं पा रहे। हमारे पेशे से जुड़े पत्रकार नवीन कुमार की बातें मन को झकझोर देती हैं और शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कोरोना से पीड़ित हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, पर सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे, उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नरक बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है, और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा, और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों मजारों मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ। कोरोना में ऑक्सीजन, बेड, दवाई एवं सरकार द्वारा इलाज सही समय न मिल पाने के कारण कई पत्रकारों की मृत्यु हो गई है। इस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था। कोरोना ने देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। भोपाल के एम्स पर एक मरीज के परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगा दिया, लेकिन वो सिलेंडर खाली था। ये घटना भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की है, जहां परिजनों का आरोप है कि मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा तो दिया गया, लेकिन उसमें गैस थी ही नहीं। उस वीडियो में घटना की जानकारी देते हुए मरीज का बेटा रो रो कर गुहार लगा रहा है। ये इस हॉस्पिटल की लापरवाही, गैस का सिलेंडर तो लगा दिया, इसमें गैस ही नहीं है, देख लीजिए क्या पापा। ये एम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर को मैं काफी देर से बुला रहा हूँ, आई थी रे, कोई भी नहीं है इस जगह पे, पूरा मैं पापा वो तुम्हें आ रहे पापा आ रहे
ऐसा लगता है कि जनता कोरोना के इस युद्ध में अकेले लड़ रही है। हाँ, कोरोना के इस युद्ध में अगर जनता जीतती है तो सत्ता अपनी विजय घोष की डंका बजाएगी, और कोरोना से हार गए तो शमशान में स्वाहा।